अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि हमने PIASMS फेलोशिप टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई है, और मैं पिछली 4-5 वीडियो से आपके साथ जो है PIASMS फेलोशिप के जो पेपर्स होते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन के, वो शेयर करना कर रहा हूँ। और अभी तक मैं आपके साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेटलर्जी, मटेरियल्स इंजीनियरिंग और इसी तरह जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनके जो 2021 के जो लेटेस्ट प्यास के पेपर्स थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इसी तरह मैं आपके साथ फिजिक्स 19 का जो पेपर था वो भी शेयर कर चुका हूँ। और आज जो है मैं आपके साथ इलेक्ट्रिकल पावर का जो पेपर है, जो ये जो रिसेंट पेपर हुआ है इसी 2021 में, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये टेस्ट जो है मैं आपको बता दूँ, रावलपिंडी इस्लामाबाद में जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट कंडक्ट हुआ था प्यास फेलोशिप की तरफ से, ये वो टेस्ट है। और इस टेस्ट की डेट जो थी वो 21/8/2021 थी। ये क्वेश्चन जो है काफी हद तक आपको बड़े क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट के, इलेक्ट्रिकल पावर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे प्यास के लेटेस्ट टेस्ट में, और डिफिकल्टी लेवल क्या थी, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया था, और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो ये क्वेश्चन देख के आपको बड़े अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना वक्त जाया किए मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ। मैं रीड भी कर देता हूँ क्वेश्चंस को, ताकि आपको अगर कोई स्टेटमेंट पढ़नी नहीं आ रही तो वो आप वो ताकि प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह थे कि हीट फर्नेस का पावर फैक्टर पूछा गया था, 4 ऑप्शन होंगे नीचे यकीनन। फोटोवोल्टिक सेल्स आर सिमिलर टू विच सेमीकंडक्टर डिवाइस, ऑप्शन सी डायोड, BJT, ए ट्रांजिस्टर। स्पीड रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर इज 0-1, और इस तरह कुछ और ऑप्शन भी गिवन थी। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि 2021 में भी जो है कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी प्यास के टेस्ट में। पिछले 3 साल से तकरीबन जो है प्यास के टेस्ट में जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। असल में जो नेगेटिव मार्किंग का ताल्लुक है वो GRE के टेस्ट के साथ होता है। तो अगर जो लेटेस्ट GRE का टेस्ट हो, अगर उसमें नेगेटिव मार्किंग हो तो प्यास के टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है, और अगर उस टेस्ट में नेगेटिव मार्किंग ना हो तो प्यास के टेस्ट में भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो ये जो अभी लेटेस्ट GRE का एग्जाम हुआ है अक्टूबर में, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो होपफुली जो आपका भी 2022 में जो प्यास का जो टेस्ट होगा उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपने पेपर स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा जो गाइडलाइंस होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो गौर से पढ़ लिया करें। और जब नेगेटिव मार्किंग ना हो तो आप कोशिश किया करें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व करने की, अटेम्प्ट करने की। तो बहरहाल ये इस तरह अब क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्रांसफर फंक्शन ये गिवन है, G(S)=1/(S+1)(S+2+K) विद यूनिटी फीडबैक गेन। डिटरमिन रेंज ऑफ के फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है, वो ऑप्शन गिवन थी के ग्रेटर देन 0 होगा, लेस देन 6 होगा, या के की रेंज जो है 0 और 6 के दरमियान होगी। इस तरह क्वेश्चन था, 2 वायर DC ट्रांसमिशन सिस्टम वोल्टेज इज चेंज फ्रॉम 19 वोल्ट टू 10 वोल्ट, ट्रांसफर सम पावर, व्हाट इज परसेंटेज सेव इन कंडक्टर, 90.06%, और इस तरह और ऑप्शन थी। असल में होता क्या है, प्यास का जो पेपर जो है वो आउट नहीं होता है, आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ होंगे। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो जैसे एग्जाम होता है तो आप जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, जूनियर्स होते हैं कुछ, उनसे जो है ये क्वेश्चन जो है उस टाइम जो है वो लिखवा लिए जाते हैं और सेव कर लिए जाते हैं, ताकि फ्यूचर में आप जैसे दोस्त जो है जब तैयारी करेंगे तो उन्हें एक आइडिया हो जाएगा, डिफिकल्टी लेवल पता चल जाती है, किन सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो पता चल जाते हैं। बाकी आप इन चक्रों में ना पढ़ा करें कि मुझे पिछले 10-12 साल के पास पेपर मिल जाएं तो मैं वो बस सोल्व कर लूँ और मेरी तैयारी हो गई, तो ऐसा नहीं है। हर साल एक प्रॉपर जो है कोर्स आउटलाइन जो है वो डिफाइन की जाती है, वो एक अलग बात है। प्यास उसको उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करती, लेकिन 85 से 90% उसको फॉलो किया जाता है, और वो ऑलमोस्ट 90 से 95% हर साल सेम ही रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आइडिया जो है वो आपको एक आइडिया प्रोवाइड करना है, आपको एक वे देना है, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करें, इस पेपर को देखें, जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे कवर हो रहे हैं आप उन टॉपिक्स को जाके प्रिपेयर करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। वो जब हो जाए फिर आप इन क्वेश्चंस को देख लें,
और काफ़ी सारे क्वेश्चंस की तो आपको कंप्लीट स्टेटमेंट्स भी मिल जाएंगी गूगल पे या किसी भी बुक के थ्रू। तो फिर इस तरह आप अपनी तैयारी किया करें। बहरहाल इस तरह फॉर 3 स्टेप प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, व्हाट इज परसेंटेज प्रोडक्शन ऑफ लाइन, 100%, 60%, 120%, इस तरह 150%। और ये वाई डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं। फॉर वाई डेल्टा एंड डेल्टा वाई ट्रांसफॉर्मेशन, फेज शिफ्ट कितनी होती है, 30 डिग्री कोई चेंज नहीं होती, 60 डिग्री चेंज होती है या 90 डिग्री चेंज होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रियल पावर 61 किलोवाट, एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 1.03 रेडियन, तो VARS बताएं क्या होगा। ठीक है, तो ये भाई साहब ने हिंट भी को दे दिया कि यूज P tan थीटा इक्वल टू Q, या हो सकता है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये हिंट गिवन हो। और एक और बात आपको बता दूं, जो नए लोग जिन्हें अगर इतना आइडिया नहीं है, तो पिछले 2 सालों से जो है प्याज का जो टेस्ट आ रहा है वो सब्जेक्ट बेस्ड आ रहा है, और उसकी वजह कोरोना सीजन था। ठीक है, तो पॉसिबल है इस दफा जो है वो जनरल पार्ट भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया जाए। अगर जनरल पार्ट होगा फिर 100 क्वेश्चन होंगे आपके, जिसमें पहले 50 क्वेश्चन सब डिसिप्लिन के लिए कॉमन होंगे। इससे क्या मुराद है, मतलब जो फिजिक्स वाला बंदा है पहले 50 क्वेश्चन उसके भी वही होंगे जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पेपर में होंगे, जो मैकेनिकल इंजीनियर और इस तरह सब के लिए होंगे, और बाकी जो 50 क्वेश्चन वो आपके प्योर सब्जेक्ट फील्ड बेस्ड हुआ करते हैं। तो बहरहाल अभी ये डिसाइड नहीं हुआ कि इस दफा जो है जनरल पार्ट होगा या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी जो है वो अपने सब्जेक्ट बेस फील्ड बेस कर लें, और जो जनरल तैयारी है वो फिर आप बाद में कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि जब एक बार ये चीज आ जाती है, एडमिशन ओपन होते हैं, तो इतना टाइम होता है कि आप वो 15 से 20 दिन में भी आराम से कवर कर सकते हैं, और यहाँ तो आपको महीने से 2 महीने मिल जाते हैं टेस्ट में। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता। इस तरह फॉर लॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन लाइन प्रोडक्शन जो है आवर करंट होती है, डिस्टेंस डिफरेंशियल प्रोडक्शन होती है, और इस तरह और ऑप्शन गेम थी। ये लेप्लास फाइंड करने के लिए बताया हुआ था। स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैन इंक्रीज, कैसे हम ये इंक्रीजिंग लोअर हाइट और गार्ड वायर और सब कुछ करके, एमएचओ रिले इज सीरीज कंपनसेशन से रिलेटेड पूछा हुआ था। ठीक है, 4 इनपुट एंड 16 आउटपुट, तो ये मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, डिकोड्स होते हैं, इनकोड्स होते हैं। तो इस तरह जो है आपको क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। तो बहरहाल रिपीट कर दूं कि जो अगर अगर सिर्फ सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो वो 60 क्वेश्चन होते हैं, और आपको जो है उसके लिए 1.5 से 2 घंटे दिए जाते हैं, नॉर्मली 1.5 घंटे दिए जाते हैं। और अगर जनरल पार्ट भी होता है जो कि 100 क्वेश्चन बनते हैं, फिर आपको जो है वो 3 घंटे दिए जाते हैं। और जनरल पार्ट में ये होता है कि 10 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं, 20 मैथमेटिक्स के जो कि FSC+BSc लेवल मैथमेटिक्स होती है, और 20 क्वेश्चन फिजिक्स की जो आपकी FSC लेवल तक फिजिक्स होती है, और बाकी जो 50 क्वेश्चन वो तो आपके सब्जेक्ट बेस ही होते हैं, आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। इस तरह इस पेपर में 15 क्वेश्चन था। मेन पैरामीटर्स ऑफ फीडर, वोल्टेज ड्रॉप होता है, पावर लॉस होता है, और करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है। यस, ये सारे कम्यूटेटर और DC मोटर किस पर डिपेंड करती है, और इस तरह ये सर्किट गिवन था, और इसमें जो है रेजिस्टेंस फाइंड करने को आपको कहा हुआ था। तो ये तो बहुत आसान से क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आप करंट फाइंड कर लें और सिंपल सर्किट को सॉल्व करके तो वहां से ओम ला लगा के आप यूज कर सकते हैं। इफ यू ऑफ एन माइनस यू ऑफ एन माइनस वन किसके बराबर है, ये डेल्टा की फॉर्म में जो है इसका आंसर पूछा हुआ था। ठीक है, टी यू ऑफ टी इसका लेप्लास क्या होगा। ये सर एक और सर्किट था, ये वी नॉट जो है ये आपने फाइंड करना था, तो ये बूस्ट कन्वर्टर कोई था। ठीक है, ड्यू टू अर्थ इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, इंडक्टेंस डिक्रीज करती है, इसका वाइस वर्सा होता है, या कैपेसिटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू टू इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आता है तो जंक्शन कैपेसिटेंसेस पे क्या फर्क पड़ता है, वो बढ़ जाती है, कम हो जाती है। मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, मॉडरेटर क्यों यूज करते हैं, तो वो ऑफकोर्स जो है न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए यूज करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड पूछा हुआ था। एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ क्या शो करता है, इस तरह ये और भी आपको क्वेश्चन नीचे नजर आ रहे हैं। कैपेसिटी फैक्टर इज मिनिमम फॉर, किस प्लांट के लिए कैपेसिटी फैक्टर कम होता है, सोलर PV, हाइड्रो, जियोथर्मल, P and Q आर स्पेसिफाइड फॉर। ठीक है, ये लोड बस और स्लैक बस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है। रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर इज फॉर स्मॉल वोल्टेज चेंज, लार्ज वोल्टेज चेंजेस, और ये पेशेंस लॉ इज वैलिड फॉर। तो ये देखें आपको
देख के पता चल रहा होगा कि कोई इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है और कोई बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कोई रट्टे वाली चीज हो। तो क्वेश्चन जो है एमपीएल के टेस्ट में जरूर इजी भी कह सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल मतलब हर क्वेश्चन में कोई ना कोई एक कंसेप्ट होता है, एक लफ्ज का कंसेप्ट होगा लेकिन होगा कंसेप्ट। तो आपने इस तरह तरीके से तैयारी करनी है कि रट्टा भी नहीं लगाना और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में भी नहीं पढ़ना, जस्ट अपने कंसेप्ट क्लियर रखें तो आपके ये टेस्ट जो है बड़े आसानी से क्लियर हो सकते हैं। इस दौरान आप ये और भी क्वेश्चन जो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये पीएसएम कैलकुलेट करने को पूछा गया था, रिले विल नॉट परफॉर्म फंक्शन ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये पेपर इंसुलेशन किस में यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर में, कैपेसिटर केबल्स में, ये जीरो सीक्वेंस करंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया था, एक्साइटेशन ऑफ ये मोटर का पूछा हुआ था। तो ये आप क्वेश्चन देख लें, मैं स्लोली स्लोली कर्सर को मूव करूँ, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जो की स्टेटमेंट जो है वो आइडिया हो जाए। कोडिंग क्वेश्चन, व्हाइल फॉर लूप, मेकिंग कैपेसिटी ऑफ ब्रेकर इज, वो क्या होती है, SF6 गैस इंसुलेटर विद इंक्रीज इन प्रेशर क्या होता है, ये देखें। सीरीज कंपनसेटर क्या कंट्रोल करता है, एक्टिव पावर को, रिएक्टिव पावर को, इस तरह। व्हाट डज एक्साइटेशन कंट्रोल इन सिंक्रोट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक पावर जनरेटर में और वोल्टेज कंट्रोल। तो बारह उम्मीद है आपको ये पेपर देख के आइडिया हो गया होगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल पावर के लिए तैयारी कर रहे हैं प्यास में 2021 में एडमिशन के लिए, तो आपने कैसे तैयारी करनी है, किन आपने सब्जेक्ट्स को ज्यादा कंसेप्ट को ज्यादा जोर देना है, किन में आपने मेहनत करनी है और किस किस लेवल की किस एक्सटेंट तक की आपने तैयारी करनी है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।